गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, किंचो सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं अक्सर आजकल जो है वो गायब हो जाता हूँ, एक दिन छोड़ के आता हूँ। क्या करूँ, इतना हैक्टिक शेड्यूल हो गया है मेरे साथ में कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कैसे मैनेज करूँ उसको। खैर, कुछ दिन की समझ की प्रॉब्लम है ये, और थोड़ा सा यहाँ पर ठंडी बहुत पड़ती है, थोड़ा हेल्थ का भी इशू चल रहा है अभी कुछ दिन से। तो एनी हाउ, ठीक है, मतलब ये है कि ये मत सोचा कीजिए कि मैं आपको याद नहीं करता हूँ। मैं आपको याद करता हूँ, सोचता हूँ, कभी मिस भी करता हूँ। संडे को इसे मिस कर दिया, सोचता हूँ अगले दिन जरूर आऊँगा मैं, ठीक है। कोशिश करता हूँ कि मैं रेगुलर रहूँ, इतना है रेगुलर मैं पहले कभी नहीं रहा हूँ जितना आजकल हो गया हूँ मैं, ठीक है ना। तो खैर, जो भी है, आज की अच्छी कहानी हम सुनते हैं। एक अच्छी सी स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ कि एक दिन क्या होता है कि एक आदमी होता है, ठीक है। वो आदमी सुबह 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 अर्ली मॉर्निंग उसके घर पर घंटी बजती है, टिंग टोंग, है ना। जब घंटी बजती है तो आदमी दरवाजा खोलता है, एक तो एक कोई व्यक्ति खड़े होते हैं, वो बोलता है आप कौन। बोला यार तुम मुझे दिन भर याद करते हो, तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो क्या। बोला कैसी बातें करते हो यार, कैसी बातें करते हो, मैं तुम्हें दिन भर याद क्यों करूंगा, तुम क्या भगवान हो। बोलता हाँ मैं भगवान हूं और आज मैं दिन भर तुम्हारे साथ रहूंगा, तो मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए मैं आया हूं, आज दिन भर तुम्हारे साथ ही रहूंगा मैं, और मैं सिर्फ तुमको दिखाई पड़ूंगा, किसी और को दिखाई नहीं पड़ूंगा। तो इतने में अंदर से उसकी वाइफ की आवाज आती है, बोलती सुनिए ये दरवाजे पे खड़े होकर अकेले क्या बड़बड़ा रहे हो, दरवाजे पे खड़े रह होकर ये अकेले क्या बड़बड़ा रहे हो, किससे बात कर रहे हो। अब वो समझ जाता कि पक्का ये भगवान ही है भाई, मेरे को तो दिखाई पड़ रहे खड़े, वो वाइफ को दिखाई नहीं पड़ रहा है। बोलता आ जाओ, भगवान आते हैं सुबह आके बैठ जाते हैं, और अंदर से उसकी वाइफ की आवाज आती है कि सुनो ये मैं तुम्हें चाय बना के दे रही हूँ और बच्चे बच्चे को तैयार कर रही हूँ, तो तुम चाय पी लो, अखबार पढ़ लो, उसके बाद तुम्हें ऑफिस की तैयारी में कर लेना अपने, ठीक है ना, मैं तब तक खाना वाना बना दूंगी। चाय आती है, रोज वो अपनी वाइफ को बोलता था कि चाय में तुमने शक्कर ज़्यादा कर दी है, कभी तुमने पत्ती ज़्यादा कर दी है, कभी तुमने अदरक नहीं डाला। आज वो सोचा कि यार भगवान बैठे हैं, क्या गुस्सा करूंगा इतनी छोटी बात पे। तो भगवान से बोलता आप चाय लेंगे क्या। भगवान चाय नहीं लेता मैं, ठीक है। फिर वो चाय पीता बगैर कुड़कुड़ किए, बगैर कुछ बोले हुए, ठीक है। और वाइफ से बल्कि बोलता है कि चाय अच्छी बनाई है। वाइफ अच्छे से बच्चों को अपने तैयार कर देती है और अपने स्कूल की बस में छोड़ाती है, ठीक है। फिर अब वो ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है, ठीक है। नाश्ता उसकी वाइफ बना रही होती है ना, तो नाश्ता बना के लेके आती है, तो रोज कभी बोला करता था कि कभी नमक कम है, कभी ये कम है। तो आज वो बोलता है कि ठीक है चुपचाप भगवान बैठे, भगवान को देते बगैर आप भोग लगा लीजिए, भगवान ठीक है थोड़ा सा ले लेते भगवान। और वो अपना नाश्ता वास्ता करके चुपचाप शांत मन से बगैर कुछ बोले कि भगवान साथ में, तो वो अपना निकल जाता है। वाइफ को बोलता है कि चलो मैं आता हूँ शाम को। अब सड़क पर ट्रैफिक होता है, चीज़ें होती है, तो ट्रैफिक में कई बार उसे गुस्सा भी आया करता था कि यार कि लोग बाग ऐसे गाड़ी चलाते वैसे गाड़ी जाते। अब देखा बाजू की सीट पर भगवान बैठे हैं, तो कुछ बोलता नहीं, थोड़ा सब्र रखता है, ठंड रखता है दिमाग में, ठीक है भाई निकल जान दो, तो इसी को निकल जान दो, ठीक है थोड़ा आराम से ट्रैफिक से, है ना। फोन आता है तो वो फोन चलती गाड़ी में फोन पर बात नहीं करता, साइड में गाड़ी लगा लेता है, क्योंकि भगवान बैठे गाड़ी में, भगवान क्या सोचेंगे कि कैसा इररिस्पॉन्सिबल आदमी है। तो वो अपना बात करके अपना ऑफिस तक पहुंच जाता है, वो ठीक है कुछ नहीं बोलता किसी, शांत एकदम ऑफिस पहुंचता है। तो ऑफिस में जाके जनरली वो अपने स्टाफ को अननेसेसरी का कई बार डाटा करता था, और कई बार जो है वो फाइलों पर, जो सरकारी कर्मचारी होता है तो फाइलों पर साइन करने के लिए, समझ गए ना, ठीक है, धन वन की डिमांड भी करता था वो। तो इस बार वो कुछ नहीं करता, उसे मालूम भगवान बाजू में बैठे, बिल्कुल बाजू में आके बैठ जाते हैं। अरे यार बड़ी मुसीबत, कुछ कुछ बोलता नहीं हो वो, स्टाफ को भी कुछ नहीं बोलता। स्टाफ सोचता है कि सर आज बड़े अच्छे मूड में, कुछ बोल नहीं रहे किसी को, और अपना फाइल वाइल वो साइन करता है, ऑथेंटिक काम करता है, कोई भी गलत काम नहीं करता वो, ठीक है। शाम को फिर घर लौट के आता है, घर लौट के आता है तो वाइफ ने खाना बनाया होता पूरा, ठीक है। तो रोज वो बोलता था कभी कि कटहल की सब्जी मत बनाया करो, ये मत बनाया करो, वो मत बनाया करो, लौकी मत बनाया, टिंडा मत बनाया करो। आज वो टिंडा लौकी जो भी था वो बना होगा घर में, वही होगा बनाया। तो देखता है वो, कुछ मन तो करता है बोलूं वाइफ को, फिर बोलता नहीं, भगवान साथ में, तो भगवान को भोग लगाता है, पहले बोलता है ईश्वर आप साथ में, आप भोग ले लीजिए इसमें से, बाकी बोला ठीक है अच्छी हेल्दी सब्जियां तुमने बनाई है कोई बात नहीं। वाइफ बोलती है अरे आज तो इनका मूड बड़ा अच्छा है, ठीक है। वाइफ प्रेम से पास में आके बैठती, बोलती कि आज तुम्हारा मूड बड़ा अच्छा है, सुबह से तुमने कुछ कोई बात ही नहीं की ऐसी गुस्से वाली। बोलता हाँ ठीक है। तो फिर भगवान शाम के समय जब रात हो जाती तो सोने जाता है, भगवान उसके सिर के पास आते, सिर पे हाथ फेरते, बोलते तुम तो बड़े अच्छे हो यार, है ना, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, तुम तो बहुत अच्छी हो, तुम्हें जो है वो, तुमने जो है आज दिन गुजारा, मैंने तुम्हारे साथ एकदम पीसफुल काम दिन गुजरा, मुझे कुछ करना नहीं पड़ा, मैं तो बस तुम पे नजर रखे था, तुम मतलब बहुत तरक्की करोगे, अच्छा होगा, ठीक है। वो इतने में उसकी वाइफ की आवाज आती है, सुनो आज कितनी देर तक सोओगे। नींद खुलती है उसकी,
अरे मैं तो सपना देख रहा था। फिर उसको लगता है मन में कि वो सपना दरअसल हकीकत है, और जो हकीकत है वो सपना है। उसे लगता है कि भगवान तो हमारे साथ हर समय है, हम पर हर समय नज़र रखे हुए हैं, लेकिन हम ही उनको उनको एक्सेप्ट नहीं करते, हम मानते ही नहीं कि हमारे आसपास है वो। इसलिए सारे गलत काम करते हैं हम, गुस्सा करते हैं हम, लोगों में कमियां निकालते हैं हम, ठीक है, हम करप्शन करते हैं, हम गलत चीज़ें करते हैं, हम जो है वो सब काम करते हैं जो काम सही नहीं, जायज नहीं है वो करते हैं, क्योंकि हमको लगता है भगवान तो देख ही नहीं रहा है, क्योंकि भगवान तो आपके साथ है, हर समय आपके साथ है, हर समय आपके साथ है। तो उस दिन से वो व्यक्ति अपनी पूरी दिनचर्या को बदल देता है और वो एक अलग व्यक्ति बन जाता है जिसको सब पसंद करते हैं, ठीक है। तो हम सबके साथ ईश्वर होता है, कभी ये सोचना मत कि आपके साथ नहीं है, उठ के थोड़ी सी तकलीफें, कष्ट हो सकता है, थोड़ी तकलीफें हो सकती है, लेकिन शायद से वो परीक्षा का एक हिस्सा है, शायद से वो एक स्टेप है कि आप जो है वो थोड़ा और इवॉल्व कर रहे हैं आपको, क्योंकि इवोल्यूशन की कहानी कहती है, जो बायोलॉजी जानते हैं उन्हें पता है कि इवोल्यूशन हमेशा चैलेंज आएंगे तो नए फीचर्स सामने आएंगे और जीव प्रजातियाँ इवॉल्व होंगी। सब कुछ ठीक ठाक रहेगा तो इवोल्यूशन नहीं हो पाएगा, जैव विकास नहीं हो पाएगा। जैव विकास चुनौतियों के बाद होता है, चुनौतियों के बाद आदमी चुनिंदा बनता है, चुनौतियों के बाद आदमी चुनिंदा बनता है। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।